हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इजी इंग्लिश लैंग्वेज। मैं आपका दोस्त अबूज़र। आज हम इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 7 देखेंगे, जो कि हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और हमारी स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिससे आपकी वोकैबुलरीज बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। चलिए देखते हैं पहला वर्ड्स क्या है। मेडन स्पीच, मेडन स्पीच को कहते हैं फर्स्ट स्पीच, यानी प्रथम भाषण, यानी कोई शख्स पहली मर्तबा जब बोले तो उसको कहते हैं मेडन स्पीच। एक सेंटेंस देख लेते हैं। मुकेश मेडन स्पीच मेड हिम फेमस। मुकेश की मेडन स्पीच ने उसको बहुत ज़्यादा मशहूर कर दिया, यानी जब मुकेश पहली मर्तबा बोला उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। दूसरा देख लेते हैं। मेक बोथ एंड्स मीट, यानी सफिशियंट इनकम, यानी पर्याप्त आय, यानी आप कितनी ज़्यादा इनकम हो जिससे आपका खर्च चल जाता है, उसको कहते हैं मेक बोथ एंड्स मीट। एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं इसका। ही अर्न्स इनफ टू मेक बोथ एंड्स मीट, यानी वो इतना काफ़ी कमाता है कि उसकी जितनी ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है। ठीक, उसको कहेंगे मेक बोथ एंड्स मीट। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट के माने कन्फेस, यानी स्वीकार करना, यानी कोई शख्स अगर कोई गलती कर ले उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैंने इस गलती को किया है, तो उसको क्या कहेंगे मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। एक एग्जांपल देख लेते हैं। एन ऑनेस्ट मैन इज़ ऑलवेज रेडी टू मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ हिज फीलिंग्स, यानी एक ऑनेस्ट मैन यानी ईमानदार शख्स ऑलवेज रेडी, हमेशा तैयार रहता है किस चीज़ के लिए, स्वीकार करने के लिए ऑफ हिज फीलिंग्स, यानी अपनी गलतियों को कबूल करने के लिए हमेशा एक ईमानदार शख्स तैयार रहता है। नेक्स्ट फ्रेज देख लेते हैं। मेक अ फस, मेक अ फस के माने मीनिंगलेस आर्गुइंग, यानी व्यर्थ बहस करना, बिना बात के किसी चीज़ पर बहस करना। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। ही मेड अ फस ऑफ माई स्टडीज़, यानी उसने मेरे पढ़ाई के मुतालिक उसने व्यर्थ बकवास किया, उसने बहस किया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मेक एमेट्स फॉ, मेक एमेट्स फॉ के माने मेक अप फॉ सम रॉन्ग डन, यानी सुधार करना किसी चीज़ में, उसको कहेंगे मेक एमेट्स फॉ। एग्जांपल देख लेते हैं। बाय हिज गुड बिहेवियर, यानी उसने अपने अच्छे व्यवहार से ही हैज़ मेड एमेट्स फॉर हिज पास्ट इंसोलेंस, यानी उसने जो उसके पास्ट यानी गुजरे हुए इंसोलेंस बदतमीज़ी थी, जो उसकी गुस्ताखियत थी, उसको उसने अपने अच्छे व्यवहार से उसको क्या कर लिया, सुधार कर लिया। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। माइंड वंस ओन बिजनेस, माइंड वंस ओन बिजनेस के माने नॉट टू इंटरफियर इन द अफेयर ऑफ अदर, दूसरों के कार्य में टांग ना अड़ाना, इसीलिए कहते हैं माइंड वंस ओन बिजनेस, यानी अपने काम से काम रखो। इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। डोंट इंटरफियर इन माई वर्क, माइंड योर ओन बिजनेस, डोंट इंटरफियर इन माई वर्क, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। ठीक है, इस तरह हम बोलते हैं। नेक्स्ट और आखिरी देख लेते हैं। मूव हीवन एंड अर्थ, मूव हीवन एंड अर्थ के माने डू वंस बेस्ट, यानी भरसक प्रयास करना, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करना किसी चीज़ को करने के लिए, उसको कहेंगे मूव हीवन एंड अर्थ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही मूव्ड हीवन एंड अर्थ टू सपोर्ट हिज फ्रेंड, ही मूव्ड हीवन एंड अर्थ, यानी बहुत ज़्यादा उसने भरसक प्रयास किया किस चीज़ के लिए, टू सपोर्ट हिज फ्रेंड, अपने जो दोस्त था उसको सपोर्ट करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए उसने बहुत ज़्यादा भरसक प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।